हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आईक्यू। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर वन के पार्ट थर्ड को, यानी कि थर्ड में क्या दिया हुआ है। तो थर्ड क्वेश्चन में हम लोगों के पास दिया हुआ है 867 एंड 225 का HCF फाइंड आउट करने के लिए यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है? तो ये होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर जीरो इज लेस देन और इक्वल टू आर एंड आर इज लेस देन बी। ठीक है, तो इसको हम लोग अप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग देखते हैं कि 255 जो है वो छोटा है 867 से, यानी कि हम लोग रफ में इसको डिवाइड कैसे करते हैं। तो रफ में हम लोग इसको 225 को बाहर लिखते हैं एंड 867 को अंदर लिखते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसको डिवाइड करने के लिए देखो यहाँ पे कितना है, 255 है, यानी कि लगभग ये 250 हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, तो 250 के टेबल में देखो कितने टाइम्स में 800 लगभग आएगा। तो अगर हम लोग 2 टाइम्स में करते हैं तो 500 आएगा, 3 टाइम्स में करते हैं लगभग 750, यानी कि लगभग इसी के आसपास में आएगा। यानी कि हम लोग इसको किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 255 में हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं 3 से कि ये नंबर या फिर इससे कुछ कम आता है या नहीं आता है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 कैरी 1, 15 और 1 एक्स 16 और फिर ये हो जाएगा 7। ठीक है, अगर हम लोग एक बार और इस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर जो होगा वो 4 टाइम्स में बड़ा हो जाएगा इस नंबर से, इसलिए हम लोग 3 टाइम्स में ही करते हैं। तो ये हो जाता है 7 65, कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में। इसको हम लोग लेस करते हैं तो ये कितना आता है, तो ये आ जाएगा 7 में से 5 जाएगा तो ये बचेगा 2, 6 में से 6 जाएगा 0, 8 में से 7 जाएगा तो 1। ठीक है, अब ये नंबर से ये नंबर छोटा है, यानी कि हम लोग फिर से इसको इस नंबर को यहाँ पर लिख करके डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर स्टेप लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या बना है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा जो बना है वो ये है कि 867 जो है वो 255 इंटू 3 प्लस 102 के इक्वल है। ठीक है, ये स्टेप फर्स्ट बना। हम लोग स्टेप सेकंड में सॉल्व करते हैं, तो स्टेप सेकंड में हम लोग 102 को डिवाइड करते हैं 204 से, ठीक है, 255 से। तो देखो 100 अगर 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आएगा, 204 आएगा, यानी कि इससे छोटा आएगा। तो हम लोग इसको कर सकते हैं 204, 2 टाइम्स में करेंगे, 3 टाइम्स में तो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। इसको लेस करते हैं तो ये 1 आता है, यहाँ पे 5 आता है। ठीक है, ये कट जाएगा तो कितना आया, 51 आया। अब हम लोग थर्ड स्टेप सेकेंड स्टेप लिखते हैं। तो सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या किए कि सेकेंड स्टेप में हम लोग इसको कर रहे हैं, तो ये हो जा रहा है 255 इक्वल टू कितना के इक्वल हो रहा है, तो ये हो रहा है 120 इंटू 2 प्लस 51 के इक्वल हो रहा है ये नंबर। ठीक है, हम लोग तब तक डिवाइड करते हैं और तब तक स्टेप लिखते हैं जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। ठीक है, अब देखो 51 में हम लोग डिवाइड करते हैं 102 से, तो देखो 51 को हम लोग अगर 51 में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा 2 5 10, यानी कि कम्प्लीटली ये डिवाइड हो गया। कितने टाइम्स में हुआ, तो ये भी हुआ 2 टाइम्स में, किसके टेबल में, तो 51 के टेबल में इसका रिमाइंडर 0 आ गया। जैसे ही रिमाइंडर 0 आया हमारा HCF जो है वो फाइंड आउट हो गया। ठीक है, सो हम लोग स्टेप थर्ड में क्या किए, स्टेप थर्ड में हम लोग कर रहे हैं 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0, यानी कि रिमाइंडर 0 आ गया। सो HCF ऑफ 867 एंड 225 इज, इसका HCF कितना आ गया, तो इसका HCF आ गया 51। तो इस तरह से हम लोग बहुत ही आसानी से HCF को फाइंड आउट कर चुके हैं। इसके लिए तो क्वेश्चन नंबर 1 का इसमें टोटल 3 पार्ट्स बना है, 3 पार्ट्स आपको एक लाइन से मिल जाएगा। आप जाके आसानी से 3 पार्ट को भी स्टडी कर सकते हैं ना, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, इसका 3 वीडियो मैं बना दी हूँ। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। देखो ये आपका रफ कैलकुलेशन है ना, जितना भी डिवाइड करके दिखाई हूँ हर क्वेश्चन में, ये सारा में रफ कैलकुलेशन है, ये आपका फेयर है। इसको आप स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से बताया गया, अगर उस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप लिख के बनाते हो तो आपको एग्जामिनेशन व्यू से पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा, आपको मार्क्स कटने का टेंशन नहीं होगा। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब राइट आईक्यू।